इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। देपालपुर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। यहां देपालपुर के शांति विहार कॉलोनी में नकाबपोश चोरों ने आतंक मचाया और करीब 3 से अधिक मकान को निशाना बनाकर ताले तोड़कर हाथ साफ किए। घटना बीती देर रात की है, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तब चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें नगद राशि सहित जेवरात पर भी हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले चोरों के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तस्वीरें सामने आई है, वहीं जिसमें 4 से 5 नकाबपोश चोर कॉलोनी में घूमते नजर आए। वहीं जानकारी के अनुसार देपालपुर की तहसील रोड स्थित टॉकेज वाली गली में भी चोरों ने घटना को अंजाम दिया और चोरी की इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं यह सवाल या निशान भी खड़े होते हैं कि पुलिस के गश्त होने के बाद भी इतनी संख्या में चोर कैसे रहवासी क्षेत्र में घुस जाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों की माने तो जो चोर रात में चोरी की घटना को अंजाम देने आए थे, वह रात में घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे थे और उनका कहना था कि दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं, जांच के लिए आए हैं। कल रात की बात है, जिसमें देपालपुर थाना क्षेत्र में 2 सुने मकान में चोरी की गई है और उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें चोरी की जो वारदात की गई थी उसको विवेचना में लिया गया है। दोनों मकान सुने थे, 2 लोग हैं जो बाहर गए हुए थे और आस पड़ोस के ही लोग हैं। एक समोसा कचौड़ी का व्यवसाय करते हैं, उनके घर से लगभग 15,000 का उन्होंने बताया कि 15,000 की चोरी हुई है। दूसरा एक मकान है जिसमें प्राइवेट बैंक के जो प्रबंधक हैं वो बाहर गए हुए थे, तो उनके मकान से भी चोरी की गई है, उसमें लगभग 25,000 नगद और चांदी की कुछ पायल वगैरह उन्होंने बताई हैं। उस आधार पर धारा 457-380 का अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में कितने लोग दिख रहे हैं, क्या नकाबपोश सारे? सीसीटीवी फुटेज जो थाना के अधिकारी हैं उनके द्वारा उसमें विवेचना की जा रही है, 4 से 5 लोग उसमें दिख रहे हैं और चूंकि सुने मकान थे और उनमें चोरी की वारदात हुई है तो इस तरह की जो वारदात करने वाले लोग हैं, जो गैंग हैं, उनकी पतारसी की जा रही है और सूचनाओं का संकलन किया जाकर इसमें शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी।